प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी मेले एवं गोरखपुर महोत्सव की तैयारियों के संबंध में बैठक करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि मकर संक्रांति मेले की सभी तैयारी समय से पूर्ण कर ली जाए और मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा एवं व्यवस्था उपलब्ध कराया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि रैन बसेरों में अच्छी व्यवस्था रखी जाए, साथ ही गरीबों एवं जरूरतमंद लोगों को कंबल आदि का वितरण भी कराया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आत्मनिर्भर भारत के तहत किसानों को बायोगैस एवं गौवंश संरक्षण व संवर्धन विषयों पर प्रशिक्षित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खिचड़ी मेले को प्लास्टिक मुक्त रखने का भी निर्देश दिया। उन्होंने नगर आयुक्त को निर्देश दिया कि विभिन्न स्थानों पर LED स्क्रीन एवं PA सिस्टम लगाकर प्रचार प्रसार कराया जाए, साथ ही अवैध होल्डिंग आदि को हटाया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पार्किंग व्यवस्था को और बेहतर करने के साथ ही पार्किंग स्थलों को बढ़ाने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने पटरी व्यवसायियों के पुनर्वास की जानकारी लेते हुए निर्देश दिया कि घंटाघर, पांडे हाता आदि क्षेत्रों के पटरी व्यवसायियों को भी बेहतर ढंग से व्यवस्थित किया जाए और उन्होंने घंटाघर का जीर्णोद्वार कराने का भी निर्देश दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गांवों में आधुनिक स्कूल, CHC, ओपन जिम आदि की स्थापना कराते हुए आदर्श गांव के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने बताया कि जनपद के 100 गांवों को आदर्श गांव के रूप में विकसित किया जाएगा। बैठक में मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर, जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जोगेंद्र कुमार, गोरखपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अनुज सिंह, नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।